रोहित, आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज गिव सम फीडबैक अबाउट हाउ वाज आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और व्हाट थिंग्स यू लर्न समथिंग लाइक दैट, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस थिंग. या सर, आई हैव लर्न सो मच, सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट सर. Before joining this crash course, I don't have any confidence and I don't know how to crack the interview of airlines. And I have no idea about the airlines and there are many questions in my mind, but I don't know how to reply. And this coaching tell me. It shows a better picture, bhai. तुम हिंदी ही बता सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. सर मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली सर यहाँ पे, और पहले मुझे सर पता नहीं था कि किस तरह से, मैंने सीवी का अप्लाई भी किया था लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गया था सर. तो फिर मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो आपका चैनल मिला सर मुझे, और फिर वहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट किया तो आपकी टीम ने बातें की, फिर उन्होंने बताया कि इस तरह का कोर्स है और इस तरीके से क्लास लेंगी, तो सर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर बहुत ही. तो रोहित देखो यार, तुम्हारे लिए बेहतरीन वही चीज रहेगी, एयर इंडिया सेट्स. भाई देखो, तुम्हारे घर से जो है, सच बता रहा हूँ मैं, तुम जयपुर में, तुम जहाँ भी रहते हो भाई, ठीक है, जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ से ए आई सेट्स को तुम पहुँच सकते हो आराम से, ठीक है. अगर 2 दिन पहले भी वैकेंसी आती है, तुम आराम से ट्रेन पकड़ो, रात की ट्रेन पकड़ो, सुबह तुम झुंझुनू से पहुंच सर, जाओ. दिल्ली के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है सर. मैं वही बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे घर के पास है, मौके का फायदा उठाओ. लोहे घर के पास नहीं है, तरस जा रहे हैं लोग वैकेंसी के लिए, पर तुम्हारे घर के पास है, उसको एडवांटेज दो यार, और क्वेश्चन आंसर याद करके जाओ, उतने में आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है. ओके रोहित, है सर ना. अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सर, ओनली इंट्रोडक्शन ही प्रिपेयर किया था सर. नहीं, जैसा भी है भाई, पूरा प्रिपेयर करके आना है, तभी तो कुछ यूज है यार भाई, ठीक है. ओके सर रोहित, कर लूंगा मैं, और याद भी कर लूंगा, और कोचिंग का नाम खराब नहीं करूंगा सर, फाइव कोचिंग का नाम मत अटेम्प्ट खराब करना बस, है ना भाई. हर स्टूडेंट जो है, मोस्टली स्टूडेंट सेलेक्ट होते ही है यार, जो आंसर आंसर याद नहीं करते वो कोचिंग का नाम खराब करते हैं भाई, ठीक है यार. देखो, बाकी इंस्टीट्यूट के तो नाम खराब ही है ना, तो हमें अपने कोचिंग का नाम खराब नहीं करना है भाई, है ना. इतना हम लोग ने आप लोगों को हर एक चीज बताई है, उतने में तो आराम से यस इंटरव्यू सर. निकल जाएगा यार. टाइम नहीं मिला था सर मुझे वो परसों, ये इंट्रोडक्शन भी सर मैंने कल शाम को प्रिपेयर किया था सर, और उससे पहले सर वो वो गलती से तो काम भाई तुम्हें ये मुझे. करना चाहिए था कि जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं उस दिन शाम को याद कराना चाहिए था, ये चीज है, सर उस दिन समझ रहे पढ़ा हो, था लेकिन सर वो ढंग से याद नहीं हो रहा भूल सर. गए होगे ना तुम, ठीक है. तो गाइस, है ना, नो इश्यूज रोहित, है ना, ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर इफ यू गेट सिलेक्टेड भाई, बताना है और प्लीज डू इन्फॉर्म अस, फिर बढ़िया सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बनाएंगे और लोगों को शेयर करेंगे चैनल पे, ठीक है. ओके गाइस.